आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है समस्त किसान मिलकर के। अनुभव मुजारी जी और समस्त विधायकों से और सांसदों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे किसानों की ओर से दो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी को बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले और हमारे किसानों की मांग को पूरी करे। ऐसी सरकार ने जो घोषणा की है किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल देने की, पार्टी खिलाफी वो कर रहे हैं कि पार्टी 30 रुपए दे, हम चाहते हैं वो भी रोड पे आए। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर दी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली है, जहां जिले के 185 उपार्जन केंद्रों पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। लेकिन बालाघाट जिले में किसान खासे नाराज नजर आ रहे हैं और किसानों ने खरीदी केंद्रों में हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि कुछ केंद्रों में किसान स्लॉट बुक करवाने पहुंच रहे हैं और कुछ स्थानों पर स्थापित किए गए खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है और किसान 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर समर्थन मूल्य को लेकर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है समस्त किसान मिलकर के, पिछले बार 2023 में जो हमारी भाजपा की जो सरकार जो बनी, किसान के मुद्दे पर 3100 रुपये कुंटल की जो घोषणा की थी सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, उन्होंने घोषणा किए थे कि अगर हमारी सरकार आप मध्य प्रदेश में बना दोगे तो हम 3100 रुपये आपको धान देंगे। जबकि पिछले बार बनने के बाद तुरंत में धान खरीदी चालू हुई, उस समय भी अपने को 3100 रुपये का उस समय राशि दी गई थी और आज दिनांक तक भी शायद 2300 रुपये के आसपास समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो किसान गर्जना संगठन के आह्वान पर समस्त किसान के साथ मिलकर के दलगत राजनीति से उठकर, क्योंकि हम कांग्रेस बीजेपी बाद में, सबसे पहले हम किसान हैं, ऐसा हमारे किसानों के द्वारा वादा किया गया था। मगर आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा हम किसानों को 3100 रुपये भी नहीं दिया गया और ना गेहूँ का समर्थन मूल्य 2700 रुपये दिया गया। केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य है वो हमें किसानों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि किसान बहुत कहना चाहिए बहुत परेशान है कि उसको जो सरकार के द्वारा जो दुगुनी आय की जाती, मगर दुगुनी आय का वादा किया गया मगर वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, जो रेट है वो नहीं मिल रहा है। और पूरे बालाघाट जिले में हमारा धरना प्रदर्शन चालू है और हम माननीय सांसद महोदय भारतीय पार्टी एवं हमारे विधायक महोदय अनुभव मुजारी जी और समस्त विधायकों से और सांसदों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे किसानों की ओर से दो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी को बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले और हमारे किसानों की मांग को पूरी करें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। इधर किसानों की मांग को लेकर भी पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और देश की मोदी सरकार की कैबिनेट कृषि मंत्री को उनके द्वारा पूर्व चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाते हुए किसानों को धान खरीदी का 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर पत्र भी लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अब जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लगातार चुनाव चल रहे हैं, आपने देखा उपचुनाव चल रहा था, कुछ राज्यों का चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव, इसके व्यवस्थाओं के चलते भी सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं छुआ होगा। लेकिन हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जब भी हमारी मुलाकात हुई हमने उनको ध्यान दिलाया और हमने आज फिर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को भी पत्र लिखा है हमने और वही स्मरण दिलाया कि सरकार ने जो घोषणा की है किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल देने की, तो उस पर विचार करके बहुत शीघ्र ही इसकी घोषणा का पालन किया गया, हमारा भी यही कहना है। विधायक विवेक विक्की पटेल ने भी भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर 2 दिसंबर से प्रदेश सरकार ने धान खरीदी प्रारंभ कर दी है, मगर भाजपा सरकार द्वारा अभी तक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदी जा रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है। अपने वादे के मुताबिक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों को धान के 3100 रुपए प्रति क्विंटल से धान खरीदी करे, नहीं तो वे किसानों के हित में सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे।
विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, उन्हें भी समझ आ गया है कि भाजपा द्वारा किसानों को जुमला वादा किया गया था। उन्हें खुद पता है कि उनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचने वाला नहीं है, मगर उन्होंने पत्र लिखकर किसानों को ये बता दिया कि भाजपा सिर्फ जुमलों वाली पार्टी की पार्टी है, किसानों को झूठा वादा देकर उनसे अपना काम निकलना जानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में पूर्व मंत्री का ग्राब गिर रहा है, इसलिए पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है। अगर पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री किसानों के साथ खड़े हैं, तो वे हम चाहते हैं कि वह सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। पूर्व मंत्री पत्र लिखकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वे दिखावा ना करते हुए अपनी भाजपा सरकार को बोले कि आपने जो वादा किया था वो वादा निभाए। भगवान राम के आदर्श पर चलने की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम की बातों को नहीं मानते। प्रदेश में किसानों की आय डबल नहीं बल्कि लागत डबल हो गई है। किसानों को इंतजार था चुनाव के बाद से कि नई सरकार आएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धान के किसानों को पर क्विंटल 30 रुपये देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन गई, प्रदेश में सेंटर बन गई। अब चूंकि समय धान खरीदी का आया है, आज से पूरे समस्त धान केंद्रों में धान खरीद शुरू होना है, तो हमारी इच्छा है कि किसानों का धोखा न करे, किसानों का वादा खिलाफ नहीं करे सरकार। किसानों ने उससे जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे निभाए, और आज से जो धान हमारे किसान बेचने जा रहे हैं उन्हें 3 रुपये मिले, ये हमारी मांग है। कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनसे भी हमारी मांग है कि आप इसके पहले भी आए तभी आपने घोषणा की थी, चुनाव में भी आपने घोषणा पत्र था आपके, तो कल आके हमारे जिले को सौगात दें, क्योंकि हमारा जिला धान का कटोरा है। हमारे जिले के लोग धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और जीवन चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री से जब आए तो घोषणा करें। हमारे किसानों ने आज आप देखें पूरे जिले में किसी ने स्टार्ट बुक नहीं किया है, सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आगे घोषणा करेंगे और उनकी घोषणा को पूरी करेंगे। तो किसानों के साथ ये सरकार वादा खिलाफ करे, जो वादा किए उसे निभाएं। साथ ही इसके पहले एक समस्या और थी, इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था किसानों का ब्याज माफ होगा, किसी भी किसान का ब्याज माफ नहीं हुआ है। तो सही सरकार और मुख्यमंत्री में कहना है ये जो वादा करते हैं किसानों से, आप उस वादों को पूरा करें, अपने वादों पर खड़े उतरें, वादा निभाएं, उनका वादा कभी ना करें। जब किसी व्यक्ति का ग्राफ उसकी पार्टी में गिरने लगता है, जब किसी व्यक्ति उसकी पार्टी नहीं पूछती, तो वो पार्टी के खिलाफ वो बयान देना शुरू करते हैं। अब उनका उनकी पार्टी में ग्राफ गिर रहा है तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी वो कर रहे हैं कि पार्टी 300 दे। हम चाहते हैं वो भी रोड पर आए, जैसे अन्य किसान हमारी किसान गर्जन आ रही है आज, बहुत से हमारे जो खरीदी केंद्र में हमारे किसान लोग बैठे हैं, तो जो दिखावा कर रहे हैं वो दिखावा ना करते हुए खुल के सामने आए और अपने सरकार के मुख्यमंत्री से बोले हैं कि वादा निभाएं, जो वादा उन्होंने किए चुनाव में चुनाव वादा खिलाफ ना करें, अपना वादा निभाएं। भगवान राम की बात करते हैं लोग, राम को भगवान राम को लाए हैं, भगवान राम जिस दिन रास्ते होना था उन्होंने अपना वादा पूरा करने 14 साल वनवास चले गए। तो राम की बात करें लोगों से चाहता हूँ कि राम के आदर्श को ही माने, अपने वादे को निभाएं, झूठे वादे ना करें। तो मैं चाहता हूँ जो उन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, आज 24 आ गया, किसान की आय डबल नहीं, लागत डबल हो गई। अब समय है कि अपने वादे निभाएं और किसानों को धान का 31 रुपये दें। अभी हमारे यहाँ सीमा स्कूल बनने में तैयार है, खंडवा का बुर्के बनने तैयार है, तो हमारी इच्छा है कि दोनों बड़े काम है। तो हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री कल आएंगे, उससे हम बात करेंगे, पहले इसके पहले मैंने उनसे बात की और कल फिर बात करूँगा कि वो समय दें, हम अपने क्षेत्रों को बुलाएंगे और हमारे क्षेत्र जो काम पूरे हो रहे हैं, जैसे खंडवा खुल गया पूर्णता की ओर है, सीएम राय स्कूल वारोसी पुनर्वास की ओर है, तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दोनों कामों का लोकार्पण हो, कल उनसे चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा होगी और भी नए काम के सौगात उनसे मांगेंगे जब हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो हम चाहेंगे वहीं आए, उनके हाथों से लोकार्पण हो और अगर कुछ नए काम उनके हम शुरुआत करना चाहते हैं क्षेत्र में उन्हीं के हस्ते। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।